अगर वेब सीरीज देखना ही है तो भाई क्यों ना ऐसा सीरीज को देखा जाए जो हमारी सीरीज देखने का एक्सपीरियंस में रेवोल्यूशन लेकर आए और सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या सच में हम इस लेवल का सीरीज देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट में इस लेवल का दम होना चाहिए कि दिमाग घुमा कर रख दे। और सच बात बताए तो भाई ऐसी सीरीज वो सुकून वाली सेटिस्फेक्शन फील कराती है। तो आज के रिव्यू में मैं ऐसे ही टॉप 7 बेस्ट वेब सीरीज लाए हैं जो सिर्फ इंटरटेन ही नहीं बल्कि सीरीज के कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। और इस वीडियो में भी ऐसी सीरीज के बारे में बताएंगे जो इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा, जिन्हें हम बोनस सीरीज कहते हैं। तो हमेशा की तरह बोनस सीरीज को मिस मत करिएगा। ऐसे ही फुल क्वालिटी कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो भाई लोग ये गलत बात होगा ना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। तो चलिए एक बार फिर से सीरीज को एक्सपीरियंस करते हैं जो सरप्राइज एंड फुल सेटिस्फाई करे। नंबर 5 की सीरीज वो चुल होती है ना क्रिमिनल को पकड़ने का। अगर पुलिस नहीं कर पा रही है तो हम करेंगे, ऐसे इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए। 2020 की क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ आउटलियर। सीरीज की स्टोरी एक सीरियल किलर मर्डरर जो 15 से 25 साल के उम्र की लड़कियों को रेप कर बुरी तरह से मार डालता है और पुलिस गलत इंसान को पकड़कर शांत बैठ चुकी है। तब सीरीज की लीड एक्ट्रेस मांजा एंजली उस क्रिमिनल को पकड़ने का फैसला करती है ताकि वो क्रिमिनल ऐसा फिर ना कर सके। सीरीज में आपको यही देखना है कि मांजा उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए किस हद तक जाती है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बात करें सीरीज की नेगेटिव पॉइंट की तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा इसके स्लो पेस्ट स्क्रीन प्ले। मानते हैं या जनरली ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ सीरीज थोड़ा स्लो ही होता है, लेकिन फिर भी इसके के साथ कुछ अलग करने की कोशिश और लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग के लिए वन टाइम मस्ट वॉच सीरीज है। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, एक ट्राई दे सकते हैं। नंबर 4 की सीरीज, अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन माफिया डिटेक्टिव टाइप सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होनी चाहिए। 2017 की इटालियन टीवी सीरीज क्राइम ड्रामा मर्डर इन्वेस्टिगेशन के साथ मेलसी। सीरीज की स्टोरी एक कमिश्नर पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव और उसके बचपन के दोस्त पे बेस्ड है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एकदम से उसके दोस्त को उसके शादी के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद अपने दोस्त का मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने होम टाउन आता है। सीरीज में आपको इसी मर्डर को सॉल्व कर यही पता लगाना है कि आखिर इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है। सीरीज थोड़ा स्लो जरूर है, अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन टाइप सीरीज देखना पसंद है और इस सीरीज से कनेक्ट हो गए तो ये सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। सीरीज आपको एक एक स्टेप आगे ले जाती है तो थोड़ा पेशेंस रख कर देखिएगा। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज, भाई क्या ही सीरीज थी। और सबसे बड़ी बात भाई, जब पता चलता है कि सीरीज ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है तो मेरा दिमाग घूम गया, ये सब रियल हो चुका। एक एक सीन, एक ऐसा हैवान जो एक लड़की को रेप कर बेरहमी तरीके से तड़पा तड़पा कर मार डालता है। 2021 की मिनी सस्पेंस क्राइम ड्रामा के साथ डिसीट। भाई सीरीज की मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या बताएं? एक फीमेल पुलिस ऑफिसर खुद सस्पेक्ट से ही मर्डर कन्फेशन कराने के लिए एक फीमेल पुलिस ऑफिसर इस हद तक जा सकती है आप सोच भी ना सकते हैं। नो डाउट ऐसी सीरीज को आप एक बार डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल। नंबर 3 की सीरीज, भाई एक बहन अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए अपना सारा कुछ गवाकर अपनी सारी ताकत लगा देती है। 2021 की इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट क्राइम सस्पेंस थ्रिलर के साथ सीजन 1 ओनली 6 एपिसोड का मिनी सीरीज एना ऑल इन। स्टोरी जब अपने भाई कसिनों में कर्ज लेकर अपने सारे पैसे हार जाने के बाद डिप्रेशन में आकर मर्डर कर जेल में अपने आप को सुसाइड कर लेता है। उसके बाद सारे कर्ज उसके पत्नी और बच्चे पे आ जाती है। तब एक बहन अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए कसिनो गैम्बलिंग जैसी बिग इंडस्ट्री के जाइंट के खिलाफ जाकर अपने सारा कुछ गवा कर उसके डार्क साइड को हमारे सामने रखती है। और सच में भाई लीड एक्ट्रेस ने क्या ही एक्टिंग की है। स्पेनिश सीरीज की खासियत ही होती है इनके कॉन्सेप्ट के साथ इनकी एक्टिंग टॉप लेवल की होती है। बेहिचक ऐसी सीरीज को देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज, अगर आप साइफाई जॉनरा में नए हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होगी। आप सोचिए कि इस प्लेनेट पे अलग अलग प्रजाति के एलियन का राज हो तो वो दुनिया कितनी खतरनाक होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है नंबर 2 की सीरीज। 2003 की सुपर हिट अमेरिकन टीवी सीरीज साइफाई एक्शन टोटल 3 सीजन के साथ डिफेंस। सीरीज की स्टोरी सीधा आज से 33 इयर्स आगे ले जाती है, जहां इस प्लेनेट पे अलग अलग प्रजाति का एलियन का राज है। और सच में भाई वो फ्यूचरिस्टिक दुनिया के साथ इसके स्टोरी में दम है। ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ ये सीरीज कुछ अलग दिखाने की कोशिश करती है और कामयाब भी होती है, जिसके वजह से आप सीरीज से इंगेज रहते हो। बस खटकेगा तो इसका लो बजट का CGI ग्राफिक्स। अगर ऐसी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा हाई लेवल की ग्राफिक्स यूज करते तो ये सीरीज टॉप पे होती। पर कोई नहीं, इसके स्टोरी और कॉन्सेप्ट में दम है, इसके लिए सीरीज को देख डालिए। और खुशी की बात है, सीरीज हिंदी डबिंग के साथ MX Player पे फ्री में अवेलेबल है।
नंबर वन से पहले बोनस नंबर टू की सीरीज भाई क्या था, ये पूरा हिला कर रख दिया। मर्डर सस्पेंस मिस्ट्री टाइप सीरीज हमने कई देखा, लेकिन इतना खतरनाक दिमाग घुमा देने वाली कॉन्सेप्ट के साथ नहीं देखा। ऐसा पहली बार हुआ एक सीरियल किलर मर्डरर से इस लेवल पे इमोशनली कनेक्ट हो पाए हैं। एक ऐसा सीरियल किलर जो दूसरे बुरे सीरियल किलर को ही मारता है। 2021 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर के साथ डेक्स्टर न्यू ब्लड। हालांकि ये सीरीज कंटिन्यूअस है डेक्स्टर सीजन 8 की। अगर आप डेक्स्टर के पिछले सीजन नहीं देखे हैं तो इसे आपको डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। सिर्फ इसके आखिरी सीजन हिंदी में डब्ड है और वूट पे अवेलेबल है। एक ट्राई देकर देखिए इसका यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। नंबर वन की सीरीज भाई सच में हमें वैम्पायर ड्रैकुला टाइप सीरीज देखने में वो एक्साइटमेंट के साथ वो हाई लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। और क्यों ना आए वैम्पायर टाइप सीरीज में वो खून चूसने वाला कॉन्सेप्ट ऊपर से स्टोरी में मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जाए तो पूछिए मत। ऐसी सीरीज देखने में मजा ही कुछ और होती है। 2020 की सीजन 1 ओनली 3 एपिसोड का मिनी सीरीज हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के साथ ड्रैकुला। ऐसी मिनी सीरीज की स्टोरी के बारे में क्या बताएं, कुछ भी बताना स्पॉइलर होगा। कैसे एक ड्रैकुला अपने शिकार को ट्रैप कर अपने भूख मिटाने का जरिया बनाता है। और सच में भाई ये सीरीज आपको वो ड्रैकुला वाली डर फील जरूर कराती है। और इन सभी का क्रेडिट जाता है डायरेक्टर की डायरेक्शन, कैरेक्टर की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की, एकदम रियल एंड ग्राउंडेड। बेहिचक सीरीज को देख डालिए, सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। अगर भाई ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। ऐसी सिर्फ क्वालिटी कंटेंट हम ढूंढ के आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।